हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लीन अप। इस तरीके का क्लीन अप आज तक आपने नहीं देखा होगा। बहुत अच्छा ग्लो आएगा एंड फेशियल जैसा ग्लो आपको क्लीन अप से मिल जाएगा। बस आपको इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, वो है ब्लीच। तो ये है गॉर्जियस लंदन का स्किन ब्राइटनिंग ब्लीच है, ऑक्सी प्रो ऑक्सी है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, अच्छी होती है आपकी स्किन को ग्लो देने में, आपके ब्लैक हेड। तो इस तरीके से मैंने एक्टिवेटर एंड ब्लीच को मिक्स कर लिया है एंड फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको क्लींजिंग मिल्क लेना है। ये B1 का एलोवेरा क्लींजिंग मिल्क और ये B1 का गुलाब जल है, जो कि स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से मैंने इनके स्किन पे ग्लिसरीन एंड गुलाब जल और क्लींजिंग मिल्क को एक साथ लिया है और मसाज कर रही हूँ। आपको कभी भी ब्लीच अप्लाई करना है तो क्लींजिंग मिल्क से चेहरे को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्किन पे डर्ट मिट्टी वगैरह होती है, जो कि ब्लीच में बहुत हार्ड केमिकल होते हैं। अगर आप डायरेक्ट ब्लीच को स्किन पे अप्लाई कर दोगे तो आपकी स्किन पे काफ़ी रेडनेस हो सकती है, सेंसिटिव स्किन है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो कभी भी आप ब्लीच अप्लाई कर रहे हो तो पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लींजिंग मिल्क से, अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए और अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन कीजिए, उसके बाद ही आपको ब्लीच अप्लाई करना है। इस ब्लीच को कैसे अप्लाई करना है पूरा डिटेल वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं मसाज करी, पूरा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी के साथ स्लो वीडियो में अपलोड हो चुका है, तो वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको क्लीन अप बता रही हूँ विद ब्लीच के साथ। ऑक्सी प्रो ब्लीच है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बनाया गया है। तो अगर आपकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है, आपके ऊपर ब्लीच सूट नहीं करती, ब्लीच कराने से डर लगता है, तो आप ये वाला ब्लीच एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, और ब्लीच करते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो आपके जो फेशियल हेयर हैं वो एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका आपके स्किन पे ना तो ग्लो दिखता है और बहुत ही ख़राब दिखता है फेस आपका, बहुत ब्राउनेस हो जाता है। इसके लिए ध्यान दीजिए कि कितना एक्टिवेटर कितना यूज करना है, जिससे कि आपकी स्किन के लिए अलग अलग स्किन टोन के लिए अलग अलग तरीके से आपको एक्टिवेटर यूज करना होता है। उसकी भी डिटेल वीडियो चैनल पे है, तो आप चेक कर लीजिएगा कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा कितना एक्टिवेटर यूज करना है। तो इनके लिए कितना यूज़ किया मैंने बनाते टाइम, कल वाली वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा जाके। तो इस तरीके से क्लींजिंग मिल्क से मैंने 5 से 10 मिनट तक मसाज दिया है इनके फेस पे, फिर अच्छे से स्किन का डर्ट वगैरह निकल गया है। अब जो मैंने ब्लीच बना के रखी हुई थी वो मैं इनके फेस पे अप्लाई करूँगी। इस तरीके से आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको ब्रश से कंफर्टेबल नहीं है तो आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीख रहे हो पार्लर का काम तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों का ही यूज़ करें, क्योंकि हाथों से आप जहाँ जहाँ पे अप्लाई करना है वो इजीली आप कर लोगे। ब्रश से कई बार एक्स्ट्रा जगह भी लग जाती है या फिर आंखों के अंदर भी जा सकता है। तो अगर आप अभी सीख रहे हो तो आप हाथों से इस तरीके से कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए आपको किया है अपने फिंगर से, नहीं तो मैं ब्रश का ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया है एंड आपके आईब्रोज पे लग जाए तो आपको आईब्रोज पे से इसको तुरंत हटा देना है, नहीं तो आपका आईब्रो का जो हेयर का कलर है वो भी ब्राउन हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से फेस और गर्दन पे ब्लीच को अप्लाई कर लिया है और स्पंज लेके आईब्रो के ब्लीच को हटा दिया है। ओके, अब इसको हम लोग 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। जो इसका टाइमिंग होता है अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग होता है, तो इनका कलर फेयर है तो हम इनके ऊपर 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। ओके, 15 मिनट मैंने इनके फेस पे रखा था और इसके बाद मैंने इनके फेस को क्लीन कर दिया था स्पंज से। ओके, क्लीन अप करते टाइम अगर आपको आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स हो गए हैं तो आप क्लीन अप कराने जा रहे हो तो क्लीन अप से आपका ब्लैकहेड्स तो जाता ही जाता है, बट आप चाहते हो कि अच्छे से क्लीन हो जाए तो आप ब्लीच भी ले सकते हो। उससे आपका जो ब्लैकहेड्स होता है और डेड स्किन जो होती है वो फूल जाती है। जो हम लोग ब्लीच लगाते हैं उसमें जो एक्टिवेटर डालता है उसकी वजह से जो हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स होती है वो फूल जाती है, तो उसको आप निकालने उसके बाद अगर आप स्क्रब करते हो तो आपका जो ब्लैकहेड्स है या फिर टैनिंग है वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन अप्लाई किया है। ग्लिसरीन से क्या होता है कि अंदर से जो नहीं होता चारकोल वाला जो फेस वॉश यूज़ करते हैं, जो स्किन के अंदर से खींच के मैल को निकालता है, ग्लिसरीन भी सेम काम करता है, आपके स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को एक्स्ट्रा डर्ट को टैनिंग को अंदर से क्लीन करता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन दोबारा से अपने स्क्रब में ऐड किया है। और गुलाब जल तो मारना ही मारना है, गुलाब जल लगाना ही लगाना है। जब भी आप अपना फेशियल कर रहे हो तो हर स्टेप में आपको गुलाब जल ऐड करना है। तो इस तरीके से स्क्रब को पूरे फेस पे फैला देना है।
उसके बाद आपको हाथों में हाथों से अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे हथेली का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने फिंगर टिप से स्क्रब को अप्लाई करना है, क्योंकि स्क्रब में दाने होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो छिल सकती है। और अगर आप ब्लीच अप्लाई किए हो तो आपको बिल्कुल भी हार्ड हाथ नहीं चलाना है, आपको बिल्कुल सॉफ्टली बिल्कुल आराम आराम से और बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है, ताकि स्किन पे रगड़ ना आए और स्किन पे कोई नुकसान ना पहुंचे, बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर रखी तो आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा, बट मैंने बिल्कुल ही आराम से किया है। और सेंसिटिव स्किन वालों पर तो खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको हाथों को बिल्कुल ही आराम से चलाना है, स्पेशली जब आप स्क्रब लगा रहे हो तो स्क्रब यूज कर रहे हो तो स्क्रब को आपको 5 से 10 मिनट तक अप्लाई इस तरीके से मसाज करना है। अच्छे से देखिएगा, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। स्क्रब को आपको आंखों के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि आंखों की जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, तो उससे आपको आंखों की स्किन और भी ज़्यादा डार्क सर्कल वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आंखों के ऊपर स्क्रब ना करें। बाकी सारी चीज़ें आप आंखों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, पैक भी नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि आंखों का जो स्किन होता है वो ऑलरेडी पतला होता है, और आप पैक लगाओगे तो और ज़्यादा ड्राई होगी और ज़्यादा स्किन आपकी पतली हो सकती है और लाइन्स वगैरह पड़ सकते हैं, जिससे आपकी एजिंग आ जाएगी। तो आंखों के ऊपर आपको पैक को और स्क्रब को यूज नहीं करना है, ओके, और ब्लीच को भी नहीं अप्लाई करना है। तो इस तरीके से मैंने 10 मिनट तक स्क्रब लगाया था फेस पे, तो आप देख लीजिए इसी तरीके से आपको भी करना है। आपको हथेलियों का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको फिंगर टिप से ही पूरा स्क्रब अप्लाई करना है और 10 मिनट तक मसाज देते रहना है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। हाँ, जहाँ पे आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मसाज कर दीजिएगा। तो देखते रहिए, एक एक चीज़ फॉलो कीजिए, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए, और जब भी आप करोगे तो ध्यान दीजिएगा, और थोड़ी थोड़ी देर पे आप पानी ले लीजिएगा, ताकि आपके जो मसाज है वो इजीली हो पाए और कस्टमर को अनकंफर्टेबल फील ना हो, आराम से आपका हैंड जो है वो मूव कर पाए। और गर्दन को भी नहीं भूलना है, गर्दन पे भी आपको अप्लाई करते रहना है साथ के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पंज से फिर से पूरे फेस को क्लीन कर लिया था। इसके बाद हम लोग B1 का ही फेस पैक अप्लाई करेंगे। काफ़ी अच्छा फेस पैक है, B1 का गोल्ड फेस पैक है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हैं इसके। मैं अपने कस्टमर पे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और अच्छा रिजल्ट है। अरोमा का भी काफ़ी अच्छा है, B1 का अच्छा है, और आजकल जो ग्रीन टी वाला पैक चल रहा है वो भी ठीक है फॉर ड्राई स्किन के लिए। तो अभी मेरा B1 वाला फेस पैक मिल नहीं रहा था तो वही ढूंढ रही हूँ मैं यहाँ पे, तो अभी मिल गया, अभी इसको अप्लाई करेंगे। देखिए, आप जब फेस पैक यूज़ कर रहे हो तो आपको गुलाब जल लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लगाया था और 10 से 15 मिनट में ही सूख गया था। इसको उतारना कैसे है वो भी बता रही हूँ। डायरेक्ट आपको स्पंज से नहीं उतारना है, जब आपका फेस पैक ड्राई हो जाए तो आपको इसको थोड़ा सा पानी फेस पे लगा के और अच्छे से मसाज करना है और फिर उतारना है, ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत भी ना हो और ईजिली फेस पैक जो है वो रिमूव हो जाए फेस से। पानी को बीच बीच में चेंज करते रहिए। तो मैं पानी भी चेंज करके आ गई थी, और यहाँ पे अभी मैंने नया नया पार्लर खोला है तो अभी बेसिन वगैरह पार्लर में ऐड नहीं किया है। फिर इस तरीके से आपको फेस में ही पानी को डाल लेना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। यहाँ पे आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे फिंगर जो मूव कर रहा है वो फास्ट दिख रहा होगा, बट यहाँ पे वीडियो मैंने फास्ट किया है इसकी वजह से दिख रहा है, क्योंकि 20 से 25 मिनट की वीडियो थी, इसको मैंने 10 मिनट में कंप्लीट किया है, तो इसके लिए मैंने वीडियो फास्ट कर दिया था। बट आप ध्यान रखिएगा कि बहुत हल्के हाथों से ही आपको सारे मसाज करने हैं। तो ये था आज का फाइनल लुक, क्लीनअप करने का नया तरीका है बिल्कुल ही, और बहुत अच्छा ग्लो आएगा। अगर इस तरीके से क्लीनअप करते हो तो फेशियल जैसा ग्लो आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड आप लोगों से मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम लोग और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में गुलाब जल लगा देना और बिल्कुल हल्के हाथों से पोंछ देना है गुलाब जल को। और जो इनका फाइनल लुक था वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ जूम करके कैमरे को। तो ये है फाइनल लुक, 10 मिनट के बाद इनके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ गया था, और रात को जब ये सो के उठेंगी तो और भी